तो मैं कोशिश करने वाला हूँ सर्वाइव करने की अगले 100 दिन, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। और अगर मैं कहीं पे गलती से भी मर गया ना, तो भाई मेरा वर्ल्ड हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा माइनक्राफ्ट में। और एक मजे की बात और बताता हूँ, मैं माइनक्राफ्ट में नूब हूँ। मतलब यार मैंने आज तक माइनक्राफ्ट सर्वाइवल ढंग से नहीं खेला है, और आज मैं हार्डकोर खेलने वाला हूँ, वो भी 100 डेज के लिए। और मेरे को इन 100 डेज के अंदर अंदर ही एंडर ड्रैगन को भी मारना है, पता नहीं क्या होने वाला है। यार अभी अपना वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं भाई हमको कैसे स्पॉन मिलता है। तो यहाँ पे यार हमको स्पॉन कर दिया, और भाई अभी सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे वुड कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यार वुड कलेक्ट करनी पड़ती है। अच्छा भाई, वुड कलेक्ट करके यार मैंने वुड के टूल्स बनाए, और उसके बाद भाई स्टोन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। स्टोन कलेक्ट किया और स्टोन के भाई सारे टूल्स वगैरह बना लिए, और उसके बाद यहाँ पे यार मेरे को कोल भी दिखा था, तो यार कोल भी कलेक्ट कर लिया। उसके बाद यार मैंने थोड़े बहुत एनिमल्स को मारा, और भाई शीप को भी मारा, क्योंकि यार मेरे को बेड बनाना था रात होने से पहले। ओ भाई साहब, भाई पिलेजर आउटपोस्ट, शेट भाई पिलेजर आउटपोस्ट मिल गया मेरे को। शीप सॉरी मर। यहाँ पे आयरन गोलम बंद है पिंजरे में, और एले भी है भाई दूसरे वाले पिंजरे में, तो इस आयरन गोलम को यार मैं बाद में छुड़वाऊंगा, अभी नहीं। अभी तो मैं नहीं जाने वाला हूँ पिलेजर आउटपोस्ट को लूटने के लिए, क्योंकि यार हार्ड गोर है मैं, और मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और भाई मेरे को सामने विलेज भी मिल चुका है, वो देखो वहाँ पे सामने विलेज है, अभी विलेज में चलते हैं भाई, मेरा लक देख रहे हो भाई। उसके बाद यार मैंने बड़ी शिद्दत से यार विलेज को लूटा। आयरन गोलम भाई इसको नहीं मारेंगे हम लोग, क्योंकि यार ये हमारी मदद करेगा पिलेजर से लड़ने में। रात हो चुकी है इसलिए यार मैंने कुछ विलेजर्स को उनके घर में ही बंद कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये इधर उधर जाएंगे मर जाएंगे फालतू में। गुड नाइट। यहाँ पे हम लोगों ने सरवाइव कर लिया पूरा का पूरा एक दिन, अभी बस 99 और दिन बचे हैं। भाई यार ये दिन दिहाड़े कहाँ से आ गए यार, स्केलेटन ज़ॉम्बी भाई, आग लगा ली आग, भाई आग लग गई मेरे पे। भाई यार मैं मरना नहीं चाहता यार, अभी डे वन ही है। चाहो ना चाहो, एक दिन सभी को मरना है। जितना भी हेबेल है विलेज में सारा ले लेते हैं। कोल भी कलेक्ट कर लेते हैं भाई, कोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पिंक वाला वुड भी कलेक्ट कर लेते हैं। हट चल मर जा। तो विलेजर्स के इस वाले घर को यार मैं अपना घर बना रहा हूँ अभी के लिए। ये यहाँ पे यार मैंने क्रीपर की पेंटिंग लगा दी, मेरी फेवरेट पेंटिंग है यार ये। इधर चलते यार, मेरे को ना आयरन चाहिए यार, मेरे को शील्ड बनानी है कोई। ओ शेट स्केलेटन, स्केलेटन भाई भागो भागो, शेट भाई भागो, अभी भाई हार्ड कोर है इसलिए। ओ शेट भाई हाफ हार्ट, भाई एक ही हार्ट बचा भाई, भाग लो यहाँ से भाग लो भाई, मैं डे वन पे ही नहीं मरना चाहता हूँ। चल हट जा, मेरे को सोने दे, अभी भाई सो जाते हैं। डे टू की सुबह पे डोरीमोन आया घटिया घटिया चीजें लेके, तो उसको मैंने मार के लेड ले लिया। भाई मेरे को मेरा फर्स्ट आयरन मिला, यहाँ पे 2 आयरन है, अभी कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ। और थोड़ा और ढूंढने पे मेरे को और आयरन भी मिला, तो मेरे पास टोटल 10 आयरन हो चुका था। तो अभी फटाफट से घर पे चलते हैं, और घर पहुंच के क्या पता चलता है भाई, यहाँ पे तो दरवाजे ही नहीं है भाई। आयरन को डाल दिया फर्नेस में, पिंक कलर का डोर लगा दिया मैंने। आयरन गोलम को यार रिपेयर कर देते हैं, ठीक है, ये ना हमको प्रोटेक्ट करेगा, तो भाई इसको रिपेयर करना जरूरी है। विलेजर्स को प्रोटेक्ट करना भी यार जरूरी है। उसके बाद यार मैंने आयरन की शील्ड और सॉर्ड और पिकेक्स बनाई। अच्छा रुक यार, अभी इनको छोड़ूंगा नहीं मैं, चल मर मर। यस मार दिया इसको, इसको भी मारो भाई, किसी को नहीं छोड़ने वाला मैं। आयरन भाई यहाँ पे आयरन कलेक्ट कर लेते हैं भाई, आयरन चाहिए मेरे को। क्रीपर फूट गया, तो 9 आयरन कलेक्ट करके यार मैं बाहर आ चुका हूँ। और अभी ना फटाफट से हम लोग यहाँ पे ये 9 आयरन डाल देते हैं फर्नेस में। एक बना ली वाटर बकेट, और एक बना ली आयरन का चेस्ट प्लेट। नाइस, आ जाओ, सबको खाना मिलेगा यहाँ पे। अभी सबको यार खाना खिला देते हैं यहाँ पे, सभी काओ को यहाँ पे ब्रीड करवा देते हैं। वाटर बकेट में भाई वाटर भर लेते हैं। ओके अभी डे 6 हो चुका है अपना, और अभी ना मैं ज्यादा फिश नहीं लेके आया हूँ, सिर्फ 2 फिश लेके आया हूँ, देखते हैं भाई टेम होगी कैट या फिर नहीं। अरे नहीं हुई टेम, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और फिश है, बस 2 ही थी मेरे पास, ये दूसरी वाली है कॉर्ड वाली, इसको खिला के देखते हैं। ओ यस भाई टेम हो गई कैट भाई, मजा आ गया। इसको यहाँ पे यार क्रीपर की पेंटिंग के साइड में बिठा दिया मैंने। अभी भाई मेरे को बहुत सारा आयरन चाहिए, क्योंकि यार मेरे को आयरन का भाई पूरा आर्मर बनाना है, इसलिए यार यहाँ पे ना अभी मैं केव में यहाँ पे जा रहा हूँ माइनिंग करने के लिए। और भाई रिस्क तो है लेकिन जाना पड़ेगा। भाई यार यहाँ पे मेरे को आयरन मिल गया, आयरन अभी आयरन जितना भी है भाई मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यार मेरे को जितना भी आयरन मिला उसको यार मैं अपने झोले में भरता गया। तो अभी हमारे पास काफी सारा आयरन हो चुका है, तो जिससे भाई हम लोग अपना पूरा आर्मर बना सकते हैं। तो अभी इस आयरन को डाल देते हैं फर्नेस में। तो डे 7 पे यार हम लोगों ने पूरा का पूरा आयरन का आर्मर बना लिया। डे 8 पे भाई मेरे को मेरे पहला डायमंड दिखा, फूट जा चल मर गया। तो यहाँ पे यार मेरे को ना 2 डायमंड्स मिले, जिसको यार मैंने कलेक्ट कर लिया, और इन दोनों डायमंड से यार मैंने डायमंड की सॉर्ड बना ली, ताकि यार मैं ज़ॉम्बी क्रीपर सबको भाई अच्छे से मार सकूं। भाई विच विच मारो 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 मारो, यस मार दी भाई विच। ओ यहाँ पे एक और है डायमंड, यस यहाँ पे एक और डायमंड मिल गया हमको। तो अभी फटाफट से इसको कलेक्ट कर लेते, देखते भाई यहाँ पे कितने डायमंड है। एक ही है भाई, यहाँ पे एक ही डायमंड मिला मेरे को, चलो कोई बात नहीं, अभी इसको ले लेते हैं।
तो देख सकते हो यार मेरे पास कितना सारा आयरन है यहाँ पे मेरे पास, और कितना गोल्ड है और लैपिस लजूरी रेडस्टोन देख सकते हो। और डे 10 को यार जब मैं वापस जा रहा था तो यहाँ पे मेरे को माइन शाफ्ट मिल गई, और जिसमें भाई तुमको पता ही है काफी अच्छी लूट मिलती है। यहाँ पे पहली चेस्ट मिली मेरे को और उसके अंदर मेरे को एक नेम टैग मिला जिससे यार मैं अपनी कैट को नाम दे सकता था, तो यहाँ पे नेम टैग ले लिया मैंने। एक और चेस्ट मिली जिसके अंदर मेरे को मिला गोल्डन एप्पल। माइनशाफ्ट में यार आयरन वगैरह भी मिला मेरे को काफी सारा। यहाँ पे भाई यार एक ज़ॉम्बी स्पॉनर है जिससे यार हम लोग ना एक्सपी फार्म बना सकते हैं आगे चल के। टॉर्चेस लगा देते भाई इसके चारों तरफ। डे 12 को यार मैं बाहर निकला और अपने विलेज में चला गया, और भाई मेरे को बहुत सारा आयरन मिला था यहाँ पे देख सकते हो यार तुम लोग। और अपना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सामान यार मैंने अपनी चेस्ट में रख दिया। उसके बाद यार मैंने थोड़ी बहुत सैपलिंग लगाई, ऐसे ही 4 शुगर केन पड़ा था मेरे पास तो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर मैंने सोचा यार ये हार्ड कोर वर्ल्ड है तो आयरन के आर्मर से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमको चाहिए होगा डायमंड का पूरा आर्मर। बात तो सही है। डायमंड माइनिंग करने के लिए यार मैंने बहुत सारी आयरन की पिकेक्स बना ली और चला गया डायमंड माइनिंग करने के लिए। तो वापस से अभी नीचे चलते हैं, स्पॉनर के पास से ही ना नीचे की तरफ खुदाई चालू कर दी और -53 पे चला गया। भाई यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ पे लावा भी मिला है मेरे को जिससे भाई हम लोग नेदर पोर्टल बना सकते हैं। तो लावा को यार मैंने यहाँ पे पानी से ऑब्सीडियम बना दिया, और उसके बाद यार -53 पे जाके यार मैंने यहाँ पे स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट कर दी। और थोड़ी बहुत स्ट्रिप माइनिंग करने के बाद भाई मेरे को मेरे फर्स्ट डायमंड्स भी मिल गए, और यहाँ पे यार मेरे को ना 2 डायमंड्स मिले। डे 19 पे भाई मेरे पास टोटल 33 डायमंड हो चुके थे। तो उसके बाद यार मैं थक भी चुका था यार स्ट्रिप माइनिंग करते करते, तो उसके बाद यार मैंने बनाई एक डायमंड की पिकेक्स। फिर मैंने यार नेदर पोर्टल बनाने के लिए बहुत सारा ऑब्सीडियम भी कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने डिसाइड किया यार अब वापिस चलते हैं। और भाई मेरे को ये देखो यहाँ पे मेरे को एक और चेस्ट मिली माइनशाफ्ट में, और इसके अंदर एक और है यहाँ पे नेम टैग। डे 20 को यार मैं बाहर निकला और फटाफट यार विलेज की तरफ भागा और खराटे मार के सो गया। और ये देख सकते हो यार तुम लोग अभी तक की मेरी माइनिंग की जितनी भी मेहनत है भाई, जितना भी कुछ मिला मेरे को माइनिंग करके ये सब कुछ है। अब क्या बनाते हैं यार डायमंड का आर्मर। डे 21 पे यार मेरे पास डायमंड का पूरा आर्मर हो चुका था और टूल्स भी हो चुके थे। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना भाई रेड करी जाए ताकि भाई मेरे को टोटम ऑफ अनडाइंग मिल जाए। और 12 यहाँ पे मैंने आयरन के ब्लॉक्स बना लिए क्योंकि यार मेरे को आयरन गोलम स्पॉन करने थे, आयरन गोलम ही भाई हमको जिता सकते हैं रेड। तो मैं सोच रहा था कि अब हम लोग रेडी है पिलेजर्स के साथ रेड करने के लिए। इधर आ चुके और यहाँ पे यार पम्पकिन है, अभी पम्पकिन ले लेते हैं वरना भाई हम लोग आयरन गोलम स्पॉन कैसे करेंगे। तो इस वाले आयरन गोलम को यहाँ पे मैंने छुड़वा दिया। मार गोलम मार, इन 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 लोगों ने तेरे को कैद करके रखा था इतने टाइम से, मारो 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 भाई, गिरा मत देना मेरे भाई भाई भाई। यहाँ पे यार मैं मरते मरते बचा था, सिर्फ 2 ही हार्ट बचे थे मेरे, तो भाई मैं फटाफट से भाग गया। अभी टाइम है यार अपना पहला गोलम स्पॉन करने का, तो यहाँ पे मैंने अपना पहला गोलम स्पॉन कर दिया। जा मार उन्हें, चल जा मार उन्हें, मार मार। यस भाई, काम काम का बंदा है यार ये आयरन गोलम, काम का है, काट डाला इसको भी। आजा आजा ये ले। यस यहाँ पे भाई अब हम लोग यहाँ पे चेस्ट में देखते हैं क्या लूट है, और भाई चेस्ट की लूट तुम लोग देख सकते हो, अभी ये ले लेते हैं। और वो बैनर वाला पिलेजर तो यार मेरे को दिख ही नहीं रहा, सारे पिलेजर मर चुके हैं भाई। वो बैनर वाला पिलेजर पता नहीं कहाँ पे है ही नहीं भाई, मिल ही नहीं रहा। अब हम लोग रेड कैसे करवाएंगे। 24 को यार मैं दोबारा गया पिलेजर के आउटपोस्ट पे, और वहां पे यार मेरे को ये बैनर वाला पिलेजर मिल गया जिसको यार मैंने मार के रेड स्टार्ट कर दी। विलेज में आ चुके हैं और भाई रेड स्टार्ट होने वाली है भाई, मेरे को तो भाई मेरा दिल धक धक हो रहा है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। देखिए अभी भाई फटाफट से ना हम लोग आयरन गोलम को स्पॉन कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आयरन गोलम स्पॉन कर लेते हैं भाई। यार बस जिता दे यार ये गोलम्स ना मेरे को, ठीक है भाई भाई कम ना पड़ जाए बस गोलम, बस यार जीत जाऊं मैं रेड, मजा आ जाएगा भाई। इनको यार मैं रिपेयर करता रहूंगा क्योंकि यार इनको यार मैं मरने नहीं दे सकता हूँ, वरना मैं खुद ही मर जाऊंगा। वो देखो वो खड़े हैं वो दोनों लोंडे, अभी इनको मारूंगा। आ जाओ यहाँ पे अभी इनको ये ले। यस यहाँ पे ना हमको बहुत सारा एमरल्ड भी मिलेगा भाई रेड करते करते। शाबाश आयरन गोलम, अभी भी इसको रिपेयर कर देते हैं। तो भाई ये देखो यार आयरन गोलम काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसको रिपेयर करो। शाबाश सबको मारियो, ये लास्ट है भाई इस वाली रेड का, ठीक है भाई अभी नेक्स्ट वाली रेड स्टार्ट हो चुकी है। शाबाश गोलम भाई, अभी ना यहाँ पे भाई लेकिन भाई आयरन बहुत खाने वाले हैं गोलम्स, पर भाई कोई बात नहीं इनको रिपेयर करेंगे। वो देखो बस यार वो सांड बचा है भाई, अभी उसको बुला लेते भाई, आ रहा है अभी, भागो भाई जल्दी, आयरन गोलम संभाल लेगा उसको अभी भाई। फटाफट से घर के अंदर चलो भाई, मेरे को नहीं मरना बस। ओके गोलम जा रहा है, गोलम भाई मार देगा ना गोलम, कहीं भाई गोलम ना मर जाए, ठीक है ठीक है। ओ मार दिया भाई गोलम ने, मार दिया, यस मार दिया उस सांड को, यस सॉरी विच। ये ले यस, अरे मारो 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 मारो, यस। अभी भाई फटाफट से दूध पी लेते हैं, सही यार मैंने गायें पाल के रखी है, इधर यहाँ पे बांध के रख देते हैं इनको भाई, इधर उधर भाग रहे यार ये। ओके ये इसके अंदर है भाई, ये देखो यहाँ पे छुपा हुआ है, ये यहाँ छुपा बैठा भाई, जब से ढूंढ रहा था मैं इसको।
ओ तेरी की भाई साहब सांड आ गए भाई साहब, बहुत खतरनाक वाली रेड स्टार्ट हो चुकी है भाई, कहीं मेरे गोलम ना मर जाए भाई, अभी इसको भी छोड़ो, अबे तू भी जा लड़, जा जल्दी से लड़ भाई। नहीं भाई मेरे गोलम्स मर गए भाई, मेरा एक गोलम मर गया भाई, इसको रिपेयर करेंगे, इसको रिपेयर, भाई मेरा एक और गोलम मर गया भाई, ये लास्ट गोलम बचा है, इसको भाई इसको रिपेयर करते रहना है भाई, इसको रिपेयर करते रहना है भाई, मेरे दो दो गोलम मर गए भाई, इसको रिपेयर करते जाओ भाई। ये देखो ये उड़ने वाले भी आ गए, अभी दो बचे हुए हैं, अभी भाई अभी दो बचे हुए हैं इसके बाद। ओके इसको मार दिया इवोकर को, और यहाँ पे भाई मेरे को टोटम ऑफ अनडाइंग मिल गया भाई, मजा आ गया, ये भी इसको ले लेते हैं। अब यार हमारे 100 डेज सरवाइव करने के चांसेस बढ़ चुके हैं, जा नीचे जा, मार उन्हें मार, देखो आयरन खिलाता हूँ, किसलिए खिलाता हूँ, लगे रहो गोलम भाई, मारो मारो, बस दो और बचे इस वाली रेड के भी। ये देखो इवोकर है भाई, यस मार दिया इवोकर को, और देखो यहाँ पे एक और टोटम मिल गया मेरे को, यस भाई दो दो मिल गए भाई, मैं बहुत खुश हूँ, ये लास्ट बचा इस वाली रेड का, आजा आजा आजा, यस खत्म, अभी पता नहीं कितनी और रेड झेलनी बाकी है। वो एक गोलम मेरे साथ आजा, मेरे साथ आजा, ओ शेट भाई सामने से भाई बहुत सारे आ रहे हैं भाई, भागो भागो भाई, शेट 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 भाई, मैं मरना नहीं चाहता भाई साहब, सामने से सांड भी आ रहा है भाई, जा लड़ गोलम भाई साहब, मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ भाई, गोलम मर जाएगा भाई, गोलम गया भाई, दरवाजा तोड़ रहे हैं यार ये, दरवाजा तोड़ के भाई अंदर आना चाह रहे हैं, इसको तो यार यही खिड़की से मार दिया भाई, वो देखो सांड है भाई वहाँ पे, आजा आजा यही यही से भाई, मैं इसको तीरे मार रहा हूँ, आ रहा है भाई, आ रहा है वो यहीं पे आ रहा है, अभी भाई अंदर चलते हैं भाई, यहाँ पे छुप जाते हैं, अभी भाई यहीं पे आ रहा है, मैं उसको ना खिड़की से मार दूंगा, इवोकर है भाई यहाँ पे, मारो इसको, मारो 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 यार जल्दी मर, शट 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 भाई, ये कौन है भाई यार, ये वैक्स भाई घर के अंदर भी आ सकते हैं, अरे नहीं भाई भाई साहब ये घर के अंदर भी आ सकते हैं यार ये, भाई मैं गया भाई, भाई नहीं यार मैं गया भाई, टोटम लगा लेते हैं भाई अपनी शील्ड की जगह, ओ शट भाई टोटम भी यूज हो चुका है भाई, अब क्या करूँ यार, अब क्या करूँ, नहीं अरे सॉरी मेहनत गई भाई इतनी देर की, मर गया यार मैं भाई, मेरे को घर के अंदर नहीं छुपना चाहिए था भाई, मेरे को बाहर ही घूमना चाहिए था। चलो अगली बार फिर से ट्राई करेंगे, बाय।